अभी हम बेल्ट काटेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हमारी माप पट्टी लेंगे और पहले ही 4 इंच लेंगे, उसके बाद 2.5 इंच लेंगे, 2 और 50, उसके बाद हमारी 32 कमर है उसका आधा 16 इंच आएगा, वो 16 ऊपर निशान डालेंगे और चक्कर जो हमारे पिछला वाला आएगा जो एक्स्ट्रा रखते हैं, उसके बाद हमारे जो चक्का डाला था जो कमर पूरी हुई थी वह चक्का आएगा, और उसके बाद हमारे जो चालू हुई थी कमर वह चक्का आएगा, उसके आगे 2 इंच रख के काट दे। उसके बाद हम नाकी की चक्का डालेंगे, नाकी जो हमारी आएगी 3 6 6 6 नाकी आएगी, उसके लिए पहले से जो हमारी कमर शुरू होती है वहाँ से हमारे 4.5 इंच लेंगे, और फिर से 1.5 इंच आएगा, 1.5 इंच पर चक्का डालेंगे और बीच में कर देंगे, बीच वाला चक्का आएगा। हमारा बेल्ट कट गया है, हम अभी चिपकाने के लिए बताएंगे प्रेस से, अच्छी तरह कपड़ा को प्रेस करें। उसके बाद जो हमारा बड़ा बेल्ट है उसको आगे वाला भाग थोड़ा नीचा रखे और पीछे वाला भाग थोड़ा ऊंचा रखे, कहाँ से हमारा बेल्ट अच्छी तरह बैठ जाए। हमारा जो पैंट पीछे से ज़्यादा ऊंचा आता है और आगे से आता है हमारा बेल्ट। अच्छी तरह चिपकाए वहाँ से हमारे को निकल ना जाए, और छोटा वाला बेल्ट है वो भी आगे से नीचा हुआ भाग आएगा और जो पीछे वाला भाग है वहाँ थोड़ा ऊंचा आएगा, थोड़ा ढाल देंगे तो अच्छी तरह हमारा बेल्ट पैंट चिपक जाएगा और वो हमारे पैंट में भी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। पीछे जो हमने लगाया उसका पीछे वाला भाग पर प्रेस कर दे, अच्छी तरह चिपकाए, हमने चिपका लिया है और काट डाला है, अच्छी तरह उसको आगे से जो हमारी जो चीज़ है उसको अच्छी तरह प्रेस करें। जो कपड़ा ज़्यादा हो तो अच्छी तरह अंदर कर दे, जो हमारी लुक आएगी उसके लिए अच्छी तरह वाले। जो हमारे बेल्ट है उसका कमर वाला भाग में अच्छी तरह प्रेस करें, जहाँ हमारा कपड़ा है पूरा बेल्ट निकलेगा अस्तर के साथ। उसके लिए जो हम देख कर जो बता रहे वो करें, अच्छी तरह बेल्ट आएगा फिनिशिंग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जब बाकी न्यू फैशन अपडेट देते रहते हैं, हमारे शर्ट और पैंट शर्ट की कटिंग और टीचिंग वीडियो देते हैं, हमारे चैनल पर जाके देखें, पूरे वीडियो देखें।